चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज़ आप उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि आप रेडीमेड पेय पदार्थों से बचें। गर्मियों में रेडीमेड पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि पीने से बचें। ये शरीर के लिए घातक होते हैं, बहुत ही नुकसान होते हैं। अगर आपको पीना भी है तो आप दही, मट्ठा, छाछ या लस्सी का घर में निर्मित आप इन सबको प्रयोग कर सकते हैं। ये शरीर के लिए उचित पोषक तत्व भी देते हैं और गर्मी से भी बचा कर रखते हैं। इनका अधिक से अधिक आप यूज करें। विशेषकर बाहरी मार्केट के जो ठंडे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक हैं, उनका आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये शरीर के लिए घातक होते हैं। केमिकल मिले हुए होते हैं उनमें, और बॉडी जैसे आप जाते हैं कहीं और तुरंत आपने जो है ठंडा पेय पदार्थ बाज़ार में लेकर के पी लिया तो बॉडी जो है डिसबैलेंस हो जाती है गर्मी से ठंडक, और ठंडक से तुरंत आप फिर बाहर निकल जाते हैं गर्मी में, तो बॉडी इस चीज़ को बैलेंस में नहीं रख पाती है, वो शरीर के लिए घातक होती है। और इसके साथ साथ में उन मार्केट के ठंडे पेय पदार्थों, कोल्ड ड्रिंक में केमिकल मिले हुए होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही घातक होते हैं। इसके दूरगामी प्रभाव बहुत ही घातक होते हैं, इनसे तो आपको बिल्कुल ही बचना चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो आप घर में निर्मित आप छाछ, मट्ठा, दही इनका गर्मियों में अधिक से अधिक यूज करें। इससे शीतलता भी प्रदान होती है, और अगर आप लोग चाहें तो वैसे तो प्राचीन काल में लोग जो है घर से जब निकलते थे तो जौ के और जौ चना के सत्तू खा करके जाते थे, पी करके जाते थे पानी डाल करके, वो जो है ठंडक सर बॉडी में ठंडक बहुत देता था। आज तो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है मानो हम भूल गए हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर करें, और अधिक से अधिक गर्मियों में अधिक बहुत अधिक ना खाना खाएं, कम खाना खाएं, भूख से कम खाना खाएं और हल्के फुल्के खाना खाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सत्तू का प्रयोग करें। सत्तू जो है हमेशा आगे जैसे सफ़र में जाते हैं तो वो जो है एक शीतलता प्रदान करता है और कभी भी घातक नहीं हो सकता है। और जो सत्तू होता है वो जौ चना से निर्मित होता है, भुने हुए जौ होते हैं चना, उनको भून करके पीस करके बनाते हैं। वो मार्केट में भी मिल सकता है, मार्केट क्या है आप घर में बनवा लें और उसका अधिक से अधिक यूज करें तो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए आप जो है सबसे पहले तो आप है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार, और से अगले हम वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे।